हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए सेकंड ईयर मैथ्स हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक लेके चल रहे हैं, ठीक है। वो हमने एक्सरसाइज जो है 6A वो कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। तो इसमें हम आपके सामने जो टॉपिक है वो है प्रथम अपवर्तक को हटाना या प्रथम चर का परिवर्तन, ठीक है। ये जो टॉपिक है इस रेट तो करता है उसी से, मतलब आपने उसमें क्या किया था, पहले आपने dy अपॉन dx यानी 1 प्लस p प्लस q मानते हुए एक पद आपको दिया गया था संपूर्ण हल का, यानी पहले पूरा फलन का एक भाग मिला था, फिर संपूर्ण हल का दूसरा आपको पार्ट मिल गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम प्रथम अपवर्तक को अगर हटा दें यानी कि dy अपॉन dx वाले टर्म को हटा दें, वहां पर भी तो क्या था, dy अपॉन dx की टर्म जीरो होनी चाहिए थी, ठीक है। तो इस हिसाब से वी की पावर जो है, वी की जो कॉफिशियंट है वो जीरो होना चाहिए था, जिससे हमको सॉल्व करने में थोड़ा सा इजी रहे। अब यहाँ पे हम प्रथम अवशेष को हटा देते हैं या फिर प्रथम चर का परिवर्तन कर देते हैं। प्रथम चर क्या था यहाँ पे, अगर डी वाई अपॉन डी एक्स की मैं बात करूं तो प्रथम चर क्या था, वाई था। अब हमने चेंज क्या किया था, वाई जगह ही तो चेंज किया था, ठीक है। यहाँ पे हम वही काम करते हैं, ठीक है। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर आर। इस समीकरण के अंदर हमने पहले संपूर्ण हल का, पहले पूरा फलन का एक भाग ज्ञात किया, ठीक है। लेकिन पूरा फलन का भाग ज्ञात करना हर समीकरण के लिए इजी नहीं है, हर समीकरण के लिए आसान नहीं होता। इस वजह से हम यहाँ पर एक ऐसे फॉर्मेशन बनाएंगे, ठीक है, जो पूरा फलन के भाग पर निर्भर ही नहीं करेगी, ठीक है। पूरा फलन के भाग पर निर्भर नहीं करेगी, यहाँ पर एक ऐसा फॉर्मेशन फॉर्मूला हम तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि प्रथम चर जो होता है वाई, जो प्रथम चर है उसका ही हम परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है। और परिवर्तन करने पर के लिए हम क्या करेंगे कि व्यापक हल माना व्यापक हल जो है आपका वो है वाई बराबर वी इंटू यू, ठीक है, जहां u इसके पूरक फलन का एक भाग नहीं है, ठीक है। पूरक फलन का एक भाग नहीं है, क्लियर, समझ आ गया चीज, पूरक फलन का एक भाग नहीं है यहां पे u। अब इसी चीज को हम लेके चलते हैं, तो समीकरण क्या बन जाएगी, y बराबर u मानते हैं तो dy अपॉन dx बराबर v डी यू अपॉन डी एक्स प्लस यू डी वी अपॉन डी एक्स। और ऐसे ही आप इसका दोबारा फलन करते हो, ठीक है। हटाएंगे तो हम यहाँ पर वैसे ही, लेकिन जो टर्म हम लेके चल रहे हैं वो ये नहीं है कि वहां पर 1 प्लस पी प्लस क्यू, 1 माइनस पी प्लस क्यू या फिर पी प्लस क्यू एक्स टर्म को इस तरह सोच के फिर अब इसको हम सॉल्यूशन निकालते थे ना, यहाँ पर वो चीज नहीं है। यहाँ पर हम इसको पूरा फलन के भाग के रूप में नहीं लिख रहे, ठीक है। तो हमारे पास डी टू वाई अपॉन डी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास v डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी यू अपॉन डी एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस यू डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास इसमें दोनों मानों को समीकरण नंबर एक में लिख देते हैं, ठीक है। तो समीकरण नंबर एक में मान रखने पर तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये v डी टू यू अपॉन डी स्क्वायर प्लस टू डी यू अपॉन डी एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है, प्लस u डी स्क्वायर v अपॉन डी स्क्वायर प्लस पी वी डी यू अपॉन डी एक्स प्लस यू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस क्यू ऑफ यू वी बराबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमारे पास यू डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर
प्लस यू डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है, और ये पी इधर आ जाएगा, डी वी अपॉन डी एक्स जो है यू के साथ में ये यहां से कॉमन आ रहा है, और ये टर्म जो है आपके पास डी वी अपॉन डी एक्स यहां से भी आ रही है, ठीक है। तो ये पी प्लस टू अपॉन यू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी कॉमन आ जाएगा, और ये जाएगा डी स्क्वायर यू अपॉन डी स्क्वायर प्लस पी डी यू अपॉन डी एक्स प्लस क्यू यू, ठीक है, बराबर में आर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास इस तरह जो टर्म बन रही है उस टर्म में आगे जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमारे पास क्या है जो फॉर्म बनेगी ना प्रॉपरली सॉल्व करते हुए, वो मैं इसको आपको डायरेक्टली ले देता हूँ, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है ये जो तरीके हैं ये आपको याद मतलब करने के नहीं, पेपर में नहीं आएगा, ऐसा कोई आपको करके नहीं पूछेगा नहीं कि चरों का परिवर्तन करने के लिए जो फॉर्मूला तैयार होता है उसको आप करके बताइए, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मूला ही हमें याद रखना है डायरेक्ट, तो हम फॉर्मूला ही डायरेक्ट याद रख लें, ठीक है। और फॉर्मूले को याद रखने के लिए हम उसको देखते हैं फॉर्मेशन होता कैसे, तो आप यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था अभी उसमें एक बार से देख लेते हैं कि अपने मान रखा, और मान रखने के बाद हमने वैल्यू को डी स्क्वायर बी अपॉन डी स्क्वायर डी वी अपॉन डी एक्स और अचर वाली फॉर्म में चेंज कर दिया, ठीक है। और यहाँ से हम डी वी अपॉन डी एक्स का क्या करेंगे, विलोपन करेंगे, प्रथम अवकलज है ना, प्रथम अवकलज वाले पद, प्रथम अवकलज वाले पद जो है हमारे पास डी वी अपॉन डी एक्स का क्या करेंगे, विलोपन करेंगे, ठीक है। और ऐसा करने पर हमें u का चयन करेंगे इस प्रकार से कि वो u का चयन इस प्रकार करेंगे कि p प्लस डी यू अपॉन डी एक्स इंटू टू अपॉन यू का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, ठीक है। मेन बात तो यहाँ पर यही है और ये चीज आपको बाद में काम आएगी, क्योंकि आप जानते हो कि dv अपॉन ds का जो गुणांक है वो क्या है, dv अपॉन ds का जो गुणांक है वो क्या है, p प्लस टू अपॉन यू dv अपॉन dx, अगर ये जीरो हो जाए तो dv अपॉन ds भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अगर ये मान शून्य हो जाए तो हम क्या करेंगे भाई, p प्लस du अपॉन dx, ठीक है, टू अपॉन यू बराबर जीरो, और डी यू अपॉन डी एक्स इंटू टू अपॉन यू बराबर माइनस के पी, यहां पर आप कर दोगे डी यू अपॉन यू बराबर माइनस के पी बाई टू और डी एक्स, और समाकल कर दोगे अगर हम यहाँ क्या जाएगा लॉग यू बराबर माइनस के पी बाई टू एक्स, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि u बराबर इंटीग्रेटिंग पार्ट ऑफ माइनस के p बाय टू और dx का फॉर्म में ही लगा दें इसको, इंटीग्रेट फॉर्म बना दें, ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, u बराबर e की पावर माइनस p बाय टू और dx। तो इस फॉर्मूले में आपको u का मान निकालना है इस फॉर्मूले में p का मान रखने पर, ठीक है। इस तरह से जो फॉर्मूला बनेगा नेक्स्ट हमारे पास, अब प्रॉपरली फॉर्मूला हम लिख देते हैं यहाँ पे, तो फॉर्म बन जाएगी वो बन जाएगी डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वी, फाइनल टर्म बता रहा हूँ मैं आपको, वन बाई फोर पी स्क्वायर माइनस के वन बाई टू डी पी अपॉन डी एक्स बराबर आर, और एक्सपोनेंशियल और वन बाई टू एंड पी डी एक्स, ठीक है, फाइनल फॉर्म है ये हमारे पास। और ये फाइनल फॉर्म जो आपको मिली है इस फॉर्म में आपको कंपेयर करना है जो फॉर्म हमने बनाई है, आप उसको हम क्या मान लेते हैं, डी स्क्वायर वी अपॉन डी स्क्वायर प्लस आई इंटू वी बराबर एस, राइट, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर देखो
ये जो फॉर्म आपने मिली है, ये फॉर्म हमने जो बनाई है, उसमें आई की वैल्यू क्या है? पी के साथ में जो वैल्यू आ रही है वो आई की है, क्यू माइनस वन बाई फोर पी स्क्वायर माइनस के वन बाई टू डी पी अपॉन डी एक्स, ठीक है। और एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? जी आर एक्सपोनेंशियल वन बाई टू पी डी एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। और यानी कि हम कह सकते हैं कि आर अपॉन यू, भाई यू की वैल्यू ये थे हमारे पास, ये माइनस में आ रही है तो इसको मैं नीचे ले आऊंगा तो प्लस में जाएगा। तो आपके पास देखने के लिए जो टर्म है उसमें देखो आप आई का मान, एस का मान, ठीक है, आई की वैल्यू एस की वैल्यू हमने निकाल ली, यानी कि हमने जो मेन समीकरण थी ना उसको चेंज किया इसमें, और चेंज करने में जो वैल्यू में काम में आई वो ये आई आई और एस, ठीक है, एस का मतलब कि आर और यू की वैल्यू। तो यहां पर हमें क्या चाहिए, अगर आई वैल्यू निकालनी होगी तो हमें चाहिए क्यू, एक चाहिए पी की वैल्यू और चाहिए डी पी अपॉन डी एक्स की वैल्यू, ठीक है, हमें ये तीन वैल्यू चाहिए, क्लियर। तो इन तीन वैल्यू अगर हम रख देंगे तो आई की वैल्यू निकल के आ जाएगा, यू का मान निकालेंगे तो एस का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमारे पास ये जो समीकरण मिली है, ये समीकरण क्या कहलाती है, नॉर्मल फॉर्म कहलाती है, इसको हम समीकरण नंबर पांच और इस पूरे को मिला के हम समीकरण नंबर छह मान लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण नंबर पांच आइए ना, समीकरण नंबर पांच जो है वो समीकरण नंबर एक का सामान्य रूप कहलाता है, सामान्य रूप कहलाता है, ठीक है। समीकरण नंबर जो पांच है वो समीकरण नंबर एक का क्या कहलाता है, सामान्य रूप कहलाता है। और इसका हल हम आसान से ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें आई का मान पता हो, ठीक है, और इस तरह की वैल्यूज को हम रख के निकाल सकते हैं। अब क्या है कि आपको ये वैल्यू है आई का मान, ये एस का मान, ये आपको याद रखना है, ये समीकरण याद रखनी है और आई का और एस का मान याद रखना, क्योंकि पेपर में आपको मिलेगा नहीं कि आई का मान ये है आर का मान ये है और मान निकालो समीकरण की हल निकालो ना, आप खाली समीकरण दी जाएगी, आपको पहचाननी है कि आपको सॉल्यूशन कैसे निकालना है, ठीक है। तो आई डी स्क्वायर वी अपॉन डी स्क्वायर प्लस आई इंटू वी बराबर में एस, ये समीकरण याद होनी चाहिए और आई का मान जो दे रखा है ये याद होना चाहिए, जिससे आप मान निकाल के फिर इसमें रख सको और सॉल्यूशन निकाल सको, ठीक है। तो हमारे पास इसमें जो फॉर्म बनी उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया कि हमारे पास क्वेश्चंस भी इस पर बेस हो जाते हैं। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर में देखिए, एग्जांपल नंबर फर्स्ट है आपका, और ये एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर माइनस के टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू वाई बराबर जीरो। मैंने आपको पूरा आर्टिकल इसलिए नहीं लिखवाया क्योंकि आपको सभी एंड में वैल्यू जो दे रखी थी आई की और एस की वो याद ही करनी है, ठीक है, वो याद नहीं करनी होती, और अगर डायरेक्शन काम में आता तो डायरेक्शन पूरा हम करते, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले माना रूप में लिख देते हैं, समीकरण वैसी है जैसे पहले थी, आप यहाँ पर वन प्लस पी प्लस क्यू से इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हर टर्म का मान लो यहाँ पर वन प्लस पी प्लस क्यू जो भी हमने छह फॉर्म लिए थे उसमें से एक भी पार्ट यहाँ पर अगर यूज नहीं आ रहा हो, इसमें अगर एक पार्ट भी यूज नहीं आ रहा हो तो आप फिर कैसे सॉल्यूशन निकालोगे इसका, तब आपको कैसे पूरा फॉर्म का एक भाग मिलेगा, नहीं मिल सकता ना भाग। तो उसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस वाली विधि का यूज कर रहे हैं, ठीक है, सवाल वही है, सवाल में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। हम ऐसा कहेंगे कि अगर आपके पास इजी उस सवाल को इजी वे में करने का एक तरीका है ये, ठीक है, तो ये हो जाएगा वन प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर वाई बराबर जीरो, ठीक है। पी का मान क्या हो गया, माइनस के टू वन प्लस वन अपॉन एक्स, और क्यू का मान, ये पी का मान और क्यू का मान है ही, वन प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, और आर का मान यहाँ पर क्या है, जीरो है। हम सबसे पहला पहला मान निकालेंगे, ठीक है, सामान्य रूप में रखने के लिए, सामान्य रूप में रखने के लिए हम पहला पहला मान जो निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, यू बराबर एक्सपोनेंशियल
माइनस हाफ आर पी डी एक्स, ठीक है। तो u का जो मान है आपके पास, u की जो वैल्यू है निकालने के लिए, p का मान देखिए क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म माइनस के हाफ पी डी एक्स, तो माइनस के टू और वन प्लस वन अपॉन एक्स और डी एक्स, ठीक है। तो माइनस टू से प्लस टू कैंसिल और माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वाइक वन का तो क्या हो जाएगा, वन का हो जाएगा एक्स, मैं सॉरी की पावर देता हूँ, वन का हो जाएगा एक्स और प्लस वन अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा लॉग एक्स, तो ई की पावर तो एक्स और लॉग से ई कट जाएगा, तो क्या ही क्या बच जाएगा, एक्स बच जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपके पास यू का मान एक्स इंटू की पावर एक्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो वाई बराबर यू वी मैंने रखा था, तो सामान्य रूप समीकरण क्या बनी थी, वाई बराबर यू वी रखने पर सामान्य समीकरण डी स्क्वायर वी अपॉन डी एस स्क्वायर प्लस आई इंटू वी बराबर एस, यही मिली थी ना, ठीक है। यहाँ पे आई का मान हमको पता लगाना है, एस का मान पता लगाना है। देखो एस का मान जो है वो तो क्या है, आर अपॉन यू है, और आर का मान यहाँ पे क्या दे रखा है, जीरो। तो यू का मान यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं रखता, यू का मान चाहिए एक्स की पावर एक्स हो, यहाँ पर आर का एस का मान तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। हमें अब आई का मान निकाल लेना चाहिए, ठीक है। तो आई का मान निकालने के लिए जो फॉर्म हमारे पास बनती है उसमें आप देखिए जरा, ठीक है। आई का मान क्या होता है, क्यू माइनस वन बाई फोर पी स्क्वायर माइनस वन बाई टू डी पी अपॉन डी एक्स, ठीक है। क्यू का मान क्या है, एक्स ई की पावर एक्स माइनस वन बाई फोर, पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू हमारे पास है क्यू का मान, सॉरी क्यू का मान नहीं है, ये यू का मान है जो मैंने रखती है आपसे गलती से, आप क्यू का मान रखिए, क्यू का मान आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई फोर, ठीक है। पी स्क्वायर, पी स्क्वायर का मतलब कि आपके पास वैल्यू जो है, पी का मान आपको पता ही है, मैं रख देता हूँ यहाँ पे फोर एक्स प्लस वन का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे टू था तो टू का स्क्वायर फोर हो गया, एक्स प्लस वन का स्क्वायर हो गया, नीचे भी स्क्वायर बन गया, माइनस के वन बाई टू डी पी अपॉन डी एक्स। इस पी का डी पी अपॉन डी एक्स निकालोगे तो आप देखो क्या बनता है, पी की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस के टू वन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स है, तो यहाँ पर एक्स का तो क्या हो जाएगा वन, और वन अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस के वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस टू माइनस के वन अपॉन सॉरी टू अपॉन एक्स स्क्वायर, या फिर फॉर्मल ले रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्म जो बन जाएगी हो जाएगी टू अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो दिक्कत नहीं। और ये डी पी अपॉन डी एस की फॉर्म बन गई। अब हमारे पास ये टू से टू कैंसिल हो गया, ठीक है, क्लियर भाई, माइनस माइनस प्लस राइट भाई, टू ऐसा टू हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास जो टर्म बचती है सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, सबसे एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ पर बच गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू माइनस के, ये फोर से फोर कैंसिल, एक्स प्लस वन का स्क्वायर माइनस के, और ये हो जाएगा आपके पास वन, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, टू एक्स कट जाएगा यहाँ से, खाली क्या बच जाएगा टू, ठीक है, और पहले जीरो बच जाएगी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के वन और माइनस के टू एक्स माइनस के वन, ठीक है। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल, टू एक्स से टू एक्स और टू भी कैंसिल हो जाएगा, ये प्रॉपर वैल्यू क्या बन जाएगी, जीरो बच जाएगी, ठीक है। तो आई की वैल्यू जीरो हो गई, तो बहुत ही अच्छी बात कि आपके पास सवाल और भी इजी हो गया भाई, आई इंटू वी बराबर एस के अंदर आपने आई की वैल्यू जीरो एस की वैल्यू जीरो, तो क्या समीकरण बन जाएगी, डी स्क्वायर वी अपॉन डी स्क्वायर प्लस जीरो इंटू वी बराबर जीरो, यानी कि डी स्क्वायर वी अपॉन डी स्क्वायर बराबर जीरो। तो एक बार समाकल करोगे आप, तो समाकल करने पर क्या आएगा, समाकल करने पर
टर्म बनेगी आपकी वो क्या बनेगी, डीवी अपॉन डी एक्स बराबर सी वन, और दोबारा समाकल करोगे पुनः समाकल तो क्या बन जाएगा, v बराबर सी वन एक्स प्लस सी टू, ठीक है। बस y बराबर v इंटू यू रखना है आपको, v का मान ये रहा सी वन एक्स प्लस सी टू, और u का मान क्या हो जाएगा x इंटू की पावर x। तो ये हो गया आपका आंसर व्यापक हल, ठीक है भाई। इजी हुआ ना या नहीं हुआ बताओ, सवाल इजी है अगर आपके पास फॉर्मूला याद है तो, अब फॉर्मूला याद नहीं है तब सवाल में दिक्कत है, तब नहीं होगा सवाल, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत है भाई, आपने कुछ कैसे किया तो देख लो आप वापस से, माइनस माइनस प्लस और टू अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वन की वैल्यू उसमें नहीं आएगा, वन की वैल्यू में एक्स के लिए यहाँ पे शायद वन प्लस वन अपॉन एक्स है, ठीक है। तो वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। हाँ एक्स नहीं है यहाँ पे, वन है, ठीक है। तो वन की वैल्यू जीरो हो जाएगी और माइनस माइनस प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, आपको समझ में आ गया होगा, नॉर्मल फॉर्म है ये, आप फॉर्मूला याद होना चाहिए, सवाल अपने आप हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।